स्टूडेंट, तो हम लोग क्लास 10th का मैथ का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका अधिकतम बोला, इसका ट्रिक जानिए, ठीक है। अगर न्यूनतम बोल दिया होता तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ पे तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है ना। तो स्तंभों की हल देखेंगे इसका हम लोग, थर्ड क्वेश्चन का। स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना कितना दिया हुआ है, 616 और 32 का, 616 और किसका, 32 का, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन किसका यूज कर लेंगे, एल्गोरिथम का, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दीजिए। पहले क्या करेंगे, 616 फिर कितना, 32, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितने बार में चला जाएगा, तो ये आपका कितने बार में चला जाएगा, तो कितने बार में चला जाएगा, ये लगभग आपका पहले तो एक बार में जाएगा 32 से कम, 32, फिर आपका कितना बचा, 29, फिर आपका कितना हो जाएगा, 6, फिर कितने बार में चला जाएगा, लगभग 9 बार में, हाँ, 9 दुना 18, 9 तियाई 27 और 1 28, ठीक है। फिर कितना बचा आपका, 8, हाँ 8 बचा। फिर देखेंगे 32 और 8 में कौन बड़ा है, 32, ठीक, कितने बार में चला जाएगा ये, 8 से का 32, ये देखिए कितना आ गया लास्ट में, एचसीएफ 8। अतः एचसीएफ 616 और 32 का कितना आ गया, 8। तो ये आपका 8 राइट आंसर है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल कितना है, 8 है। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कौन सा आ जाएगा, 4 वाला क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें यूज करना है किसका, प्रमेयिका का। तो थर्ड क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि आप प्रूव करना है आपको या तो 3m या 3m+1, क्योंकि इसका क्या, वर्ग का बात किया है। क्या बात किया है, वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग का बात किया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करने के लिए तो हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन का हल है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलता है, a बराबर BQ+R, जहां R का मान क्या होता है, B से छोटा लेकिन 0 से बड़ा और बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर B इक्वल कितना है, B इक्वल अगर देखा जाए तो 3 है, ठीक है। और तो R का मान क्या क्या हो सकता है, R का मान 0 से बड़ा बराबर, 3 से छोटा, कौन कौन होगा, 0, 1, 2, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रूफ करना था आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, r बराबर कितना लेंगे, 1 पर लेंगे, r बराबर 1, 1 नहीं तब 0 ले लीजिए, ठीक, 0 पर पहले लेंगे, 0 फिर 1 फिर 2। तो फिर अब यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 3 क्यू अपने स्थान पे, और r का मान क्या है, 0, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर 3q, क्योंकि इसका क्या बोला है, वर्ग प्रूफ करना है, वर्ग का, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्क करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 3q का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये 3 का 9q स्क्वायर, या तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 अपने स्थान पे, और 3q का एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का नया नाम दे रहे हम लोग m, ये देखिए पहला आपका आ चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पे दिखा देंगे, जहां m इक्वल क्या है आपका, m क्या है 3q² बात वही है, इसके जगह पे हम नया पूर्णांक हम लोग रख दिए। अब कितना रखेंगे हम लोग,
जीरो रख लिए, अब कितना रखेंगे, अब कितना रखेंगे एक पर, आर बराबर वन पर चलते हैं, वन रख देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका थ्री क्यू प्लस वन। अभी इतना ही आंसर नहीं रहा आपका, पहले इसे क्या करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने के लिए बोला गया था, ओके तो हम लोग वर्ग कर दिए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओपन कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल इसका क्या हो जाएगा नौ क्यू स्क्वायर प्लस वन को लास्ट में, यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री सिक्स क्यू प्लस वन का स्क्वायर वन, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कामन ले लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल इनमें से क्या कामन ले लिए हम लोग, थ्री कामन ले लेंगे, क्या बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन, तो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये रहा आपका थ्री, इसको जगह पे नया कोई पूर्णांक वन, ये देखिए आपका आ गया। फिर से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ एम इक्वल क्या है, जो हम लोग नया पूर्णांक पुटअप किए हैं थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, तो देखिए हम लोग को सिर्फ क्या प्रूफ करना था, 3m और 3m प्लस 1 यहां तक आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग अब लास्ट में अतः करके लिख देंगे, क्या अतः करके, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन रहा, ठीक है। एक स्टेप हम लोग ले जा सकते हैं, आर बराबर दो पर, दो रखेंगे तो फिर आपका थ्री एम प्लस वन या तो थ्री एम ही आएगा, ओके। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।